बाबा साहेब के चेले हैं, भारत में सबसे पहले हैं। निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। दलित हक की लड़ाई है, भारत में देखो छाई है। दलित हक की लड़ाई है, भारत में देखो छाई है। आवाज दो हम एक है, एक है हम एक है। आवाज दो हम एक है, एक है हम एक है। जुल्मी जब जब जुल्म करे। टीवी के माध्यम से जाना, आप मीडिया के साथ हो, अखबार के माध्यम से जाना, उसके साथ साथ आम लोगों के फोन से, व्हाट्सएप, ट्विटर से जाना। लेकिन जो असलियत है, चाहे प्रशासन के लोग कुछ कह रहे हो या वास्तविकता क्या है, वो यहाँ परिवार के पास आके पता लगनी थी। और ये मेरा अपना परिवार है, मेरा घर है। एक जितेंद्र चला गया, दूसरा चंद्रशेखर यहाँ है। ये विश्वास दिलाने की आप, वो नहीं गया, वो यहीं आपके सामने। मैं यहाँ आया अपने परिवार के आंसू पोंछने के लिए। यहाँ अन्याय हुआ है, और अगर प्रशासन इस बात को नकार रहा है कि मूछ का मामला नहीं है, ये सब चीजें झूठ है, पुरानी कोई रंजिश थी, ये सब झूठ है। सच ये है कि जब 2 साल पहले भी जो झगड़ा हुआ था, वो भी इसी बात पे हुआ था कि वो जो दूसरे लोग, विपक्ष के लोग यहाँ हैं, जिनको हम आज सामंती के रूप में कह रहे हैं, वो लोग सिर्फ जित्तू से इस बात पे लड़े कि उसको ये उन्होंने कहा कि गर्दन आंखें नीची कर। वो यहाँ हमारे लोगों को आंख उठा के देखना पसंद नहीं करते। और मुझे यहाँ आके पता लगा कि ये पाली वो जिला है जिसमें आज भी पुरोहितों के घर के सामने से हमारी महिलाएं जो है ना, वो चप्पल और जूते हाथ में लेके जाती है। कई गांव यहां ऐसे जहां से मोटरसाइकिल से नहीं गुजर सकते हैं वंचित वर्ग के लोग। ये आजाद भारत है। अगर किसी को लगता है कि ये गुलामी यहां चलेगी तो नहीं चलेगी। और इस पर जो भी चुप है वो अन्याय को सह रहा है, वो गुलाम। हम गुलाम नहीं है, ये अन्याय यहां से बंद होगा। आज हम लोग यहां इसलिए हैं कि परिवार का जो दुख था उसको बांट सके, और भविष्य में यहां ये इस तरह घटनाएं दोबारा ना हो, इस पर ठोस कदम उठ सके। यहां के अधिकारियों से मेरी बात हुई है, एक ज्ञापन पत्र है जो दिया गया था, अभी उसमें कई मांगों पर सकारात्मकता है। जो मांगों पे सरकार की तरफ से अभी तक जानकारी नहीं मिली, उन पे हम उच्च अधिकारियों से बात करेंगे। और मेरा यह प्रयास रहेगा, जो हमारी मांग है, परिवार की नहीं, परिवार की एक ही मांग है कि उनको न्याय मिले, लेकिन परिवार के भविष्य के लिए हमारी कुछ मांगे वो हमने रखी है सरकार के सामने, प्रशासन के जरिए। मेन मांग ये है कि सबसे पहले परिवार की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित, उनको लाइसेंस दिए जाए, क्योंकि ये तो बहुत सारे लोग तो सह रहे हैं, ये परिवार नहीं सह पा रहा था, इसने सामना किया तो इनको अपने बच्चे की जान खोनी पड़ी। और प्रशासन अगर सक्रिय होता, सरकार, पुलिस पहले सक्रिय होती तो ये घटना होती नहीं। 3 दिन से वो लोग उसका पीछा कर रहे हैं, उस घटना में अकेले 2 लोग नहीं है, वो और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने रेखी की रास्ता बंद किया, उनकी मदद की, वो सब लोग भी दोषी हैं। पुलिस उनकी जांच करे, उन सब लोगों को अरेस्ट करे और उनपे कार्रवाई करे, उसके बाद फास्ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चले कि दोबारा ये लोग बाहर ना आ पाए और बाहर आके फिर किसी परिवार के व्यक्ति को नुकसान ना पहुंचा दें। हमारे परिवार की यहां पे सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, और यहां से अलग जो गवाह और लोग हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। बड़ा सवाल ये है कि जो अन्याय, यहां एक चौकी की मांग थी, वो लगभग जानकारी में है कि उसको पूरा किया गया है। परिवार को एक सरकारी नौकरी मिले, और परिवार को हमारी मांग है 50 लाख रुपए का मुआवजा मिले। अगर सरकार 50 लाख का मुआवजा नौकरी की घोषणा नहीं करती है तो आप क्या करेंगे? कौन सी सरकार नहीं करती? राजस्थान सरकार। अगर तो राजस्थान सरकार को हम ये बताएंगे कि हम मांगने के लिए नहीं आए हैं, यहाँ बताने के लिए आए कि हमें चाहिए। और मुख्यमंत्री अगर तानाशाह तो ना कर दे कि हम नहीं देंगे, अगर हमसे ली जाएगी तो ले लेंगे। हम जनता है और हमें अपने अधिकारों का पता, और ये अधिकार हमें मुख्यमंत्री संविधान ने दिए। और मुझे तो शर्म आ रही है कि सामंतवादी व्यवस्था को मुख्यमंत्री भी स्वीकार करते हैं तभी वो चुप है इन मामलों पे। ये राजस्थान भारत का हिस्सा है, हम इस सामंती व्यवस्था को, इसकी जड़ों को काट देंगे, ये अन्याय हम नहीं देंगे। प्रशासन की तरफ से अभी तक क्या कार्रवाई? प्रशासन की तरफ से उस मांगों में, कुछ मांगों पर स्वीकारता दी गई है। हम लोग चाहते हैं कि सारी मांगे पूरी हो, और अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर राजस्थान में आंदोलन होगा। और इस बार आंदोलन जोधपुर में नहीं होगा, ना ही यहां होगा, इस गांव में आंदोलन होगा, मुख्यमंत्री के आवास के सामने। सर और जयपुर में अगर हम लोग चैन की नींद सोएंगे तो मुख्यमंत्री भी नहीं सोएंगे चैन की नींद। कितने टाइम का अल्टीमेटम है? अब उसी पे हम लोग बात कर रहे हैं। हमारे लाखों लोग जो यहां आए थे, जो हमारे भरोसे पे वहां सड़क पे खड़े हैं, जिनको हमने भरोसा दिला, क्योंकि हम नहीं चाहते कि मामला बिगड़े, तो हम उन लोगों से जाके अपनी बात बताएंगे और वहीं हम समय निश्चित करेंगे। सर एक और सवाल था कि आजकल धार्मिक जो मेले होते हैं जिसमें सत्य कौम के लोग आते हैं, लेकिन जब बात वहां खाने पीने की होती है तो उनके अलग से व्यवस्था होती है और अन्य समाज के लिए अलग से होती है, क्या वो ऐसा बंद नहीं होगा? हम चुनावी हिंदू हैं, सिर्फ हम लोग जो हैं वो सिर्फ चुनावी हिंदू हैं,
चुनाव के बाद हमें हमारी जात के नाम से और अपमानित जो शब्द है उनके नामों से पुकारा जाता है, और जब हम अधिकार मांगते हैं तो हम देश विरोधी हो जाते हैं, फिर हमें मारा जाता है, फिर हमें अपमानित किया जाता है। राजस्थान तो सामंतों का गढ़, यहां मैंने देखा कभी मूछे काट देते हैं, कभी हत्या कर देते हैं, कभी घोड़ी पे चढ़ने रोक देते हैं। तो हम इंसान है, हमें इंसान माना जाए, और जिनको ये गर्मी चढ़ी हुई है उनकी गर्मी जल्दी उतार दी जाएगी। अगर ऐसे नहीं उतरेगी तो हम आंदोलन के जरिए उतार देंगे। यहां से आप जयपुर जाएंगे? अभी हम यहां से जाएंगे उन लाखों लोगों के साथ जो सड़क पर इंतजार कर रहे हैं हमारा, जो हमारे कैसे रुके हैं, और फिर उनसे बात करके हम अगला निर्णय लेंगे, जो भी निर्णय लेंगे। बात करेंगे जितेंद्र जी का, यहाँ पे स्मारक, भव्य स्मारक बनना चाहिए, इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं स्मारक का समर्थन नहीं करता, ये परिवार की मांग है, उनकी मांगों का समर्थन करना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन कल उस स्मारक को फिर तोड़ा जाएगा। सर, मैं तो चाहता हूँ फिर किसी जितेंद्र के साथ ऐसा ना हो, इसलिए हमारी और भी मांगे, उन पर हम काम करेंगे। सर, और मैं ये भी चाहता हूँ जितेंद्र इस पर, अगर जैसे कहा जा रहा है कि स्मारक और सब चीजें सरकार के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, तो वो जितेंद्र को वापस ला दे, सरकार कीमत बताए कितने कीमत पर ला सकती है, वो कीमत हम सरकार को दे देंगे। मेघवालों का खून इतना ठंडा नहीं है, गरम खून। यूपी में बात करें तो भीमसेना बहुत ही आक्रामक तरीके से, या फिर हर तरीके से देखे तो कैपेबल है, लेकिन राजस्थान में आकर यहाँ पे दम की तोड़ देती है। किसने कह दिया? ज्यादातर सुना तो ऐसी माहौल होता रहता है। हाँ, वहां से ज्यादा लोग जुड़े नहीं, अब हम हर गांव तक भीम आर्मी को यहाँ पहुंचाएंगे, हर अंतिम गांव तक पहुंचाएंगे, और उसके जरिए जो भी अन्याय होता है, जो छिप जाता है उसको छिपने नहीं देंगे, और फिर जो इस तरह की सोच रख रहे हैं उन लोगों को भी जो है ना कानून के जरिए हम सबक सिखाएंगे। सर, आपके सरकार से बसपा के बीच में कोई विवाद हुआ था यहाँ पर? नहीं, कोई विवाद नहीं, हमारा तो कोई विवाद नहीं, वो भी हमारे लोग। वार्ता हुई है आपकी सरकार से? कोई नहीं, मेरी सरकार से कोई वार्ता नहीं, मेरी यहाँ के प्रशासन से वार्ता हुई है, बाकी वार्ता प्रशासन के लोग करेंगे। सरकार के लोगों को तो चाहिए था अपने आप से आगे बढ़ के इसमें काम करते, उन्होंने लेट किया है, और अगर उन्होंने लापरवाही ना बरते तो आज जितेंद्र हमारे बीच होता। ये सामंतवादी व्यवस्था नहीं चलेगी, मेरा ये पैगाम है सामंतियों को कि अपने विचारों को बदलें, अपनी सोच को बदलें और इंसान बन के रहें, शोषितों को मजबूर न करें अपने हक अधिकार की लड़ाई के लिए सड़कों पर आने के लिए। धन्यवाद। वार्ता में मेरी यहाँ के प्रशासन से वार्ता हुई है, बाकी वार्ता प्रशासन के लोग करेंगे। सरकार के लोगों को तो चाहिए था अपने आप से आगे बढ़ के इसमें काम करते, उन्होंने लेट किया है, और अगर उन्होंने लापरवाही न बरते तो आज जितेंद्र हमारे बीच होता। ये सामंतवादी व्यवस्था नहीं चलेगी, मेरा ये पैगाम है सामंतियों को कि अपने विचारों को बदलें, अपनी सोच को बदलें और इंसान बन के रहें, शोषितों को मजबूर न करें अपने हक अधिकार की लड़ाई के लिए सड़कों पर आने के लिए। धन्यवाद। टीवी के माध्यम से जाना और मीडिया के साथ अखबार के माध्यम से जाना, उसके साथ साथ आम लोगों के फोन से, व्हाट्सएप, ट्विटर से जाना, लेकिन जो असलियत है, चाहे प्रशासन के लोग कुछ कह रहे हो या वास्तविकता क्या है, वो यहाँ परिवार के पास आगे पता लगनी, और ये मेरा अपना परिवार है, मेरा घर है। एक जितेंद्र चला गया, दूसरा चंद्रशेखर यहाँ है, ये विश्वास दिलाने कि आप वो नहीं गया, वो यहीं है आपके सामने, मैं यहाँ आया अपने परिवार के आंसू पूछने के लिए, यहाँ अन्याय हुआ है। और अगर प्रशासन इस बात को नकार रहा है कि मूछ का मामला नहीं है, ये सब चीजें झूठ है, पुरानी कोई